जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय और सेफलेट कॉलेज की सारी जानकारी टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। लगभग एक महीने होने वाले हैं मैंने वीडियोज नहीं बनाई थी कुछ कारणों से, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बाकी इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम मतलब ऑड सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, ये जो सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर होते हैं, उनके एग्जाम कब होंगे, और साथ में आपका सिलेबस में क्या चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, थोड़े बहुत आपके सिलेबस में चेंजेस हुए हैं वो सभी आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं। कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है वो वीडियो के एंड में मैंने बताया है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ में आपका जो एग्जाम अब होगा ये तो नवंबर एंड में होगा, बिल्कुल लास्ट वीक में, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए। मैं कहूंगा कि आप नवंबर एंड के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखिए, क्योंकि दिसंबर अगर फर्स्ट वीक में होता है आपके एग्जाम तो आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथ में एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 10 सवाल होंगे, लॉन्ग होंगे, और आपको उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। पीजी वालों का जो ये होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई भी अलग नहीं होता कि एमसीक्यू होगा कुछ होगा, उनका ये सारे सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कि आपके 10 सवाल होंगे, इसमें से 5 आपको करने होंगे, यही एक पैटर्न होता है और सेमेस्टर में। थैंक यू सो मच। तो आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करते ही आपको इसको क्रॉस कर देना है। आपको आना है कहाँ पे, एकेडमिक्स में। एकेडमिक्स में आएंगे, आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया, और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स आपको सेलेक्ट करना है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री सेलेक्ट करनी है तो एंशियंट हिस्ट्री सेलेक्ट किया। आप यहां पे आ गए कोर्स आउटलाइन में, और यहां आपका जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। ऐसे करके आप अपने अपने डिपार्टमेंट का जो है सिलेबस वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।